हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पंजाब नेशनल बैंक KYC फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और फिलअप करके भी बताऊंगा, तो इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और फिर आपको बताते हैं कि आप कैसे पंजाब नेशनल का कोई भी KYC फॉर्म कैसे आप फिलअप कर पाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप कितने दिनों में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के बारे में फॉर्म मैं लेके भी आया हूँ, उस पर पूरा फिलअप करके भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको कहाँ का फिलअप करना होगा। KYC ये होता है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ मतलब होता है, जो भी मतलब अकाउंट या होल्ड हो जाता है या फिर आप काफ़ी दिनों में उसको मैनेज नहीं किए थे इसलिए आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो नया जो रूल्स आई है मतलब 10 सालों में जो आई है रूल्स, ये रूल है कि KYC करिएगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि आप वाकई में यहाँ रहते हैं और आपके पैन कार्ड आधार कार्ड सब चीज़ अपडेट हो जाएगा, तो फ्रॉड होने का चांस कम रहता है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा इजीली और आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है मतलब कि KYC का। KYC कोई इतनी बड़ी वो नई चीज़ है, लेकिन इतना करने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा बैंक में आप जब जो जाते हैं तो। और ये ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऑफलाइन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेगा तो मैं ऑनलाइन भी बता दूंगा कि आप ऑनलाइन अपने KYC कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि के पंजाब नेशनल बैंक में या फिर स्टेट बैंक में, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं स्टेट बैंक के भी बना दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या करना होगा। तो चलिए आप वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको क्या इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ और क्या क्या आपको करना होगा। देखिए, ये मेरे पास बेसिकली फिलअप मतलब एक फॉर्म लेके आया हूँ पंजाब नेशनल बैंक से, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या आपको ऐड करना होगा और क्या क्या लगाना होगा। सबसे पहले तो आप बेसिक जान लीजिए कि इसमें बेसिक ये है कि अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा और इसमें आपका पैन नंबर लिखना है और आधार नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नाम लिखना है और जो बैंक में जो आपका पंजाब नेशनल बैंक होगा तो एक कस्टमर आईडी मिलता है उसमें, जो आपको पासबुक पे ही जो आपके पासबुक पे ही मिल जाएगा, तो आप आसानी से इस पर भी देख के लिख सकते हैं। और यहाँ जो सेकेंडरी लिखा हुआ है, सेकेंडरी और थर्ड लिखा हुआ है, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्वाइंट खाता है तो ही आप भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक फ़ोटो अटैच कीजिए यहाँ पर, एक बगल में यहाँ देख लीजिए, एक फ़ोटो यहाँ पर अटैच कीजिए और अपना सिग्नेचर दो जगह यहाँ पे और यहाँ पे एक दो सिग्नेचर लगेगा आप करके। और इसके अपना मदर और फादर नेम आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको पत्नी के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे होता है एक नाम लिखना होता है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होता है। जैसे आप इसको सिग्नेचर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड का दोनों तरफ का एक ही पन्ने पर दोनों पिक्चर होना चाहिए। ये लगाकर आप ऐसे ले जाकर पेंच मार कर आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो KYC जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा कि आपका KYC कंप्लीट हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में, डियर कस्टमर हैज़ बीन सक्सेसफुल, योर KYC कंप्लीटेड, ऐसा करके एक मैसेज आ जाएगा आपका अलर्ट मैसेज पर अगर आपका मोबाइल अटैच होगा तो। अगर आपका मोबाइल अटैच नहीं है तो आप कहिएगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि आप मोबाइल अटैच कैसे कराएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज की वीडियो ये था कि आप फॉर्म में क्या भरना होगा। तो आपको फॉर्म में कुछ भी नहीं भरना है, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया कि आपको क्या क्या भरना होगा। बेसिकली यहाँ पर पाँचों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर भर भी लिया हूँ, ठीक है। तो ये डिटेल में मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये प्राइवेसी है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि अकाउंट जहाँ लिखा हुआ अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, जहाँ पेन लिखा है पेन और जहाँ आधार लिखा है वो आधार और जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है वहाँ डेट ऑफ बर्थ और नाम और कस्टमर आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी दो सिग्नेचर इसके नीचे करना होगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिग्नेचर, तो यहाँ पे एक सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिए खाली जगह पे, एक जगह यहाँ पे साइन कर लीजिए जो आपने उन्होंने बैंक में पहले से दिया हुआ वही वाला आपको साइन करना होगा। ये नहीं कि बैंक में अलग साइन किए हैं और यहाँ पे अलग साइन कर दीजिए, वो भी नहीं चलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।